वो जिस्मानी खुशी देकर सही रास्ते पे ला सके। और ऐसा हुआ भी है कि उन औरतों की वजह से बिगड़े हुए बच्चे सुधर गए, साथ ही में उन्होंने आगे चलकर दुनिया में अपना नाम भी बनाया। कहानी की शुरुआत में हम लिया नाम की लेडी को देखते हैं, जो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे अभी एक चाइनीज रईस से बहुत सारे पैसे मिले थे। वैसे लिया का काम आदमी की हर जरूरत को पूरा करने का है। दूसरी ओर हम क्रिस्टोफर यानी शेरी नाम के बंदे से मिलते हैं, जो नशे में धुत पार्टी कर रहा था। पार्टी के बाद वो कुछ लड़कियों के साथ रात बिताता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि शेरी अमीर घराने का बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसे नशे के साथ औरतों की लत लग चुकी है, क्योंकि उसके दिन की शुरुआत खंभे से और रात खड्डे में जाकर खत्म होती है। इसलिए शेरी की मम क्लेडी ने लिया को अपने घर बुलाया था, ताकि वो अपनी अदाओं से शेरी को रिझा के नशे से मुक्त करके और उसे गाइड कर जिंदगी में सफल बनाए। लिया इस काम में माहिर थी और क्लेडी उसे शेरी की हालत बताती है, तो लिया शेरी को सुधारने की जिम्मेदारी ले लेती है क्योंकि वो शेरी को पहले से ही जानती थी। शेरी भी लिया के इतने क्लोज था कि उसने प्यार से लिया का नाम मुनमुन रख रखा था। क्लेडी लिया से डील कर ही रही थी कि वहाँ शेरी आ जाता है। शेरी की अपनी माँ के साथ नहीं बनती थी क्योंकि उन्होंने उस पे बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। बातों ही बातों में लिया उन्हें बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर वाले फार्म हाउस में रिलैक्स करने जा रही है, और वो शेरी को भी अपने साथ चलने के लिए इन्वाइट करती है, तो शेरी भी मान जाता है। उनके बीच की बॉन्डिंग को देखकर क्लेडी ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि लिया अपने काम पे लग चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि शेरी को भी लिया के काम के बारे में सारी जानकारी थी, और वो यह भी समझता था कि उसकी माँ ने उसकी गंदी आदतों को छुड़ाने के लिए ही लिया को हायर किया है। तो वो डायरेक्ट लिया से किस मांगता है, और लिया के किस करते ही उसका घोड़ा उसे सिग्नल दे देता है कि वो इस खूबसूरत कन्या को सवारी करवाना चाहता है। ये सब चोरी छुपे क्लेडी भी देखकर खुश हो रही थी। अब अगले दिन शेरी लिया के साथ फार्म हाउस पर आ गया था, और आते ही वो लिया को अपने घोड़े की सवारी करवाता है। लिया को भी शेरी का सुडौल घोड़ा पसंद आया था। धीरे धीरे करके वो शेरी की पसंद नापसंद के बारे में जानती है, और उसे बताते भी है कि उसे मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप लड़के पसंद है। इसलिए अगली सुबह शेरी लिया के बॉडीगार्ड से फाइट करने की ट्रेनिंग लेने लगता है, जिसमें उसे बहुत मार भी पड़ती है। ये देखकर लिया भी काफी इम्प्रेस थी कि शेरी उसके लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो रात में लिया भी उसे अपने झील का मीठा पानी पिलाती है, लेकिन अभी भी शेरी की हरकतें बच्चों वाली थी, इसलिए लिया को लग रहा था कि वो जल्दी ही शेरी से अलग हो जाएगी। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसी केमिस्ट्री बन गई थी कि वो 6 साल तक साथ में रह जाते हैं, और वो भी लिविंग में। अभी इन 6 सालों में उन दोनों को उनकी बॉडी पर बने सारे बर्थ मार्क्स के बारे में पता था, क्योंकि हर समय वो दोनों खुदाई ही किया करते थे। 6 साल बाद भी शेरी की हरकतें बच्चों वाली ही थी, और वो अभी लिया के नेकलेस के साथ खेल रहा था। तो लिया उससे नेकलेस लेकर बताती है कि उन्हें क्लेडी ने घर पे एक गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। तो दोनों तैयार होकर घर आते हैं, जहां लिया लुइस नाम की लड़की और उसकी माँ से मिलती है। उनके जाने के बाद क्लेडी लिया के साथ गार्डन में घूमते हुए उसे बताती है कि अगले महीने में उसने शेरी और लुइस की शादी फिक्स कर दी है। अब लिया को लग रहा था कि शेरी शादी वाली बात से अनजान है, लेकिन वो ये जानकर शौक होती है कि शेरी को भी इस शादी के बारे में पता था, इवन उसी ने लुइस को पसंद किया था। शेरी की शादी हो रही है ये सुनकर लिया तो दुखी थी, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाकर क्लेडी के सामने ऐसा जताती है कि वो खुश है, क्योंकि उसे पता था कि शेरी और उसका रिश्ता कभी ना कभी तो खत्म होगा ही। अब वापस अपने घर आकर वो शेरी को बहुत सुनाती है, क्योंकि उसने उसे बताया नहीं होता है कि उसकी शादी सेट हो चुकी है। शेरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्लेडी उसे ये न्यूज उसे खुद बताना चाहती थी, इसलिए उसने उसे शादी वाली बात को सरप्राइज रखा। वैसे शेरी को लुइस के पिता की ओर से $2 मिलियन का दहेज भी मिल रहा था। लिया को बुरा तो लगता है कि शेरी उसे छोड़ के खुश भी है, और तो और वो किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर रहा है। लेकिन अपनी इस फीलिंग को छुपाकर लिया शेरी को शादी करने के लिए मोटिवेट करती है। इवन वो शेरी की शादी के लिए शॉपिंग करने के साथ साथ उसके लिए वेडिंग प्रेजेंट तक खरीदती है। देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है, और चर्च में शेरी लुइस से शादी करके लिया से अलग हो जाता है। शादी में भी लिया मौजूद थी, लेकिन उसे इतना ज्यादा बुरा फील हो रहा था कि वो शादी होते ही वहां से निकल कर सीधा अपने घर आकर रोने लगती है। उधर शेरी भी अपनी हनीमून मनाने के लिए इटली निकल गया था, और वो भी ट्रेन से। ट्रेन में ही वो लुइस के साथ अपनी फर्स्ट नाइट बिताता है, लेकिन उसे अभी भी लिया की याद आ रही थी, और वो लुइस से भी बस लिया के बारे में ही बातें करता है, जिसे लुइस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। सेम हाल लिया का भी था, वो भी शेरी को मिस करके उसकी याद में रोती रहती थी। फिर 2 वीक के बाद दोनों कपल हनीमून से वापस आते हैं, तो फिर क्लेडी एक गेट टुगेदर रखती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आने वाले कुछ महीनों में वो दादी बनने वाली है। इस गेट टुगेदर में लिया भी आई हुई थी, जो लुइस और शेरी को साथ में देखकर दुखी थी। ऊपर से क्लेडी उसे उनके हनीमून के बारे में बताने लगती है। यही हम लुइस के भाई गिब्सन से मिलते हैं, वो भी बड़े लेवल का नशेड़ी था, और उसे भी उसके घर वालों ने केयर टेकर के साथ रखा हुआ था।
लेकिन कोई भी केयरटेकर लिया की तरह नहीं थी। वो सब गिब्सन के पैसों का फायदा उठा के कुछ समय बाद चली जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे पार्टी का माहौल लिया के लिए टॉक्सिक होते जा रहा था, तो वो वहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। अब रात में लिया बहुत ज्यादा रो रही थी। उसे शेरी से जेलसी तो हो रही थी कि वो कैसे उसे भुलाकर किसी और लड़की के साथ खुश रह सकता है, जबकि वो उसके साथ बिताए गए पलों को याद करके रोए जा रही है। सुबह होते ही लिया ने मूव ऑन करने का तरीका ढूंढ लिया था। वो अपना सामान पैक करके बिना किसी को बताए ही एक वेकेशन पर निकल जाती है। जिस होटल में लिया ठहरी थी वहाँ उसकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर लड़के से होती है जो कि एक फाइटर था। डिनर के टाइम लिया उस लड़के से मिलकर जान पहचान बढ़ाती है और अपने गम को भुलाने के लिए उसके साथ रात बिताती है। वैसे इस लड़के का नाम थॉमस है और थॉमस की फैमिली शेरी की फैमिली से बहुत ज्यादा अमीर है। कुछ दिनों बाद शेरी को भी पता चल गया था कि लिया कहीं वेकेशन पर गई हुई है और एक फाइटर को डेट करने लगी है। ये सब जानकारी शेरी को क्लेरी देती है ताकि शेरी लिया को पूरी तरह से भूलकर लुइस के साथ अच्छे से रह पाए, लेकिन शेरी के लिए भी लिया को भुलाना मुश्किल था। कुछ दिन और बीतते हैं तो शेरी लिया से बात करने के लिए तड़पने लगता है, इसलिए वो लिया के घर जाकर उसके बटलर से लिया का पता पूछता है, लेकिन लिया के बटलर को भी नहीं पता होता कि लिया कहाँ गई हुई है। लिया के पास न होने की वजह से शेरी खुद को एक अनाथ की तरह महसूस करने लगा था। अपनी ये फीलिंग वो लुइस को भी बताता है तो लुइस उसके गम को भरने के लिए उसे अपनी झील के पानी से नहला देती है, लेकिन फिर भी शेरी मायूस ही था। इसलिए एक दिन लुइस शेरी पर भड़क जाती है कि वो उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो पूरे दिन एक बूढ़ी औरत के बारे में सोचते रहता है। ये सुनकर शेरी को भी एहसास होता है कि वो लुइस के साथ सही नहीं कर रहा, इसलिए वो लुइस को खुश करने के लिए उसकी खुदाई कर देता है। इस खुदाई के बाद लुइस भी खुश थी क्योंकि शेरी ने अपनी जेसीबी को उसकी गुफा में फुल स्पीड से दौड़ाया था। सब कुछ ठीक चल ही रहा होता है कि एक दिन गिब्सन शेरी को बार में ले जाता है, जहां शराब के नशे में शेरी को दोबारा से लिया के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। वहीं गिब्सन कुछ बूढ़ी औरतों के साथ खुदाई करने एक कमरे में चला गया था, तो उन्हें देखने के लिए शेरी भी उसी कमरे में चला जाता है। अब पता नहीं शेरी के माइंड में क्या आता है कि वो अपना घर छोड़कर लिया के घर के पास बने एक होटल में रूम ले लेता है और पूरी पूरी रात वो सड़कों पर बैठकर लिया का इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि वो किसी रोज घर लौट आएगी। क्लेरी उसे मिलने आई थी ताकि शेरी घर लौट आए, लेकिन शेरी घर जाने से मना कर देता है। इस बात की खबर लिया को भी लग जाती है कि शेरी ने उसकी याद में घर छोड़ दिया है, इसलिए वो बॉडी बिल्डर थॉमस से ब्रेकअप कर रातों रात वापस अपने घर आ जाती है। अब शेरी तो रात भर सड़क पे ही रहता था, तो वो भी देख लेता है कि लिया वापस सही सलामत लौट आई है, वो भी अकेले। इसलिए वो बिल्कुल फ्रेश होके अगले दिन खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर आते ही लुइजी को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले आता है। फिर क्या था, दोनों को प्यास लगी थी इसलिए वो खुदाई का काम शुरू कर देते हैं ताकि झील का पानी पीकर प्यास को बुझाया जा सके। लुइस तो शेरी के बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसने शादी के बाद शेरी को इतना ज्यादा खुश कभी नहीं देखा था। उधर लिया इस उम्मीद में थी कि उससे मिलने शेरी आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद भी शेरी उससे मिलने नहीं आता। पर एक दिन उससे मिलने क्लेरी आती है और बताने लगती है कि उसके आने से शेरी बहुत ही खुश है। जब वो गई थी तो शेरी को उसकी इतनी फिक्र हो रही थी कि उसने घर छोड़ दिया था, लेकिन जब से वो लौट आई है तब से शेरी और लुइस के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। यही क्लेरी अपनी और लुइस की प्रॉपर्टी के बारे में बताकर लिया को शर्मिंदा करने का प्रयास करती है ताकि लिया को समझ आ जाए कि वो उनकी सोसाइटी में फिट नहीं बैठती। लेकिन लिया उसे बताती है कि उसने अपने सारे पैसे ऑयल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए थे और बीतते वक्त के साथ उसके स्टॉक्स के प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई हो चुके हैं। ये सुनने के बाद क्लेरी बहुत हैरान थी क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि लिया अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी है। अब क्लेरी के जाने के बाद लिया को इस बात का बुरा लग रहा था कि शेरी उससे मिलने नहीं आया, ये जानते हुए भी कि वो शहर में वापस लौट आई है। लेकिन अब लिया मूव ऑन कर चुकी थी इसलिए वो शेरी के बारे में ना सोचते हुए अपने पैसों को किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रही थी कि उसी रात शेरी उससे मिलने आता है, वो भी फुल नशे में। शेरी की हालत देखकर लिया पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन शेरी लिया के सामने रोने लगता है क्योंकि वो उसे चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बस लिया के साथ बिताए गए पल और उससे की गई बातें याद आ रही थी। शेरी का प्यार देख लिया उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। अब शेरी की नजर सीधा लिया के चेरिस पे जा रही थी, जिसके बाद वो लिया को किस करके उसके सारे कपड़े उतार देता है। लिया भी शेरी के घोड़े पर बैठने के लिए बेकरार थी, तो वो भी फुल स्पीड में शेरी के घोड़े पर बैठकर दूर तक का सफर करती है। अब अगली सुबह जब शेरी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि लिया उसके साथ इस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। लिया का प्लान था कि उसके पास इतना पैसा है कि उससे वो दोनों एक साथ पूरा जीवन बिता सकते हैं, लेकिन शेरी उसके साथ जाने से मना कर देता है। शेरी के ऐसा करने से लिया को लगने लगा था कि वो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए शेरी उसे छोड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। लिया भी समझ जाती है कि उसे शेरी का साथ छोड़ना होगा क्योंकि शेरी की अभी पूरी लाइफ बाकी थी। तो कुछ इस तरह दोनों अपने इस रिलेशन को अच्छा सा क्लोजर देकर खत्म कर देते हैं।
शेरी ने भी इस दिन के बाद से अपनी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों आप बताओ, क्या आपको वेस्टर्न कल्चर के इस सिस्टम के बारे में पता था? लोगों ने सच ही कहा है कि आदमी एक औरत की वजह से बन और बिगड़ सकता है, इसलिए हमें अपने लाइफ पार्टनर को बहुत ही सोच समझ कर चुनना चाहिए। मूवी डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अभी के लिए इतना ही मेरे भाइयों।